India is also going to be affected with the world. The reason is only one, mathematical reason, जो हमारी शास्त्रों में बताया गया है कि जिस साल अधिक मास के साथ चार ग्रहण होते हैं वो साल डिजास्ट्रस होता है, बहुत बुरा होगा। और यही भविष्य मल्लिका में लिखा है। हाँ, बिल्कुल। उसमें बहुत कम देखा जाता है। इट्स द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट। हमारे पराशर ऋषि ने, वेदव्यास ऋषि ने बृहत पराशर होरा शास्त्र, और होरा को उन्होंने हाईलाइट किया है होरा शास्त्र। आपका एक क्लिप भी दिखा था जहाँ पे आप बता रहे थे कि अभी जो सिचुएशन बन रही है वो महाभारत के टाइम में भी बना था ऐसा। हाँ बिल्कुल, यही यही सिचुएशन थी। अधिक महाभारत के बाद क्या हुआ था, धर्म का स्थापना हुआ था। बिल्कुल, तो 2028-29 तक आपकी धर्म की स्थापना भी आपको नजर आ जाएगी होती हुई। तो दोस्तों, तो आज हमारे साथ है राजन जी। आपने इनको रियल हिट के भी पॉडकास्ट में देखा होगा और काफी कुछ इनकी रील और क्लिप्स भी वायरल हो रही है। तो आज इन्होंने हमारे इनविटेशन पे हमारे साथ भी जुड़े और एस्ट्रोलॉजी और इनकी कुछ प्रिडिक्शंस भी हैं फ्यूचर को लेके, उन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके भी हैं तो शुरू करते हैं राजन जी के साथ। हेलो, कैसे हो भाई? तो बहुत बढ़िया। तो वही राजन जी, पहले एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं। अभी आप जो हमें कुछ बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो उसी से कंटिन्यू करते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात बता रहा था, पराशर होरा शास्त्र को, होरा शास्त्र को कहा जाता है होरा शास्त्र। और होरा जो है ना वर्ड, वो संस्कृत का वर्ड है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश वालों ने आर लिया हुआ है। होरा इज इक्वल टू घंटा, बट संस्कृत में होरा इज इक्वल टू टाइम, काल। तो ऋषि क्या कहना चाह रहा है हमें कि बृहत पराशर होरा शास्त्र, बृहत पराशर टाइम शास्त्र या काल शास्त्र। और पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने होरा वर्ड को इतना रेफरेंस क्यों दिया है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। होरा का संस्कृत में मतलब होता है काल, और जो इंग्लिश का वर्ड आ रहा है वो भी होरा से लिया गया है। तो पराशर जी क्या कहने चाह रहे हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र, बृहत पराशर टाइम शास्त्र, काल शास्त्र। आपको पता संडे के बाद मंडे क्यों आता है? पूरा वीकली कह रहे हैं आप, पूरा वीक, वही मैं कह रहा हूँ, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, क्यों आता है? पता नहीं, आप ही बताइए इसके बारे में। चलो आपको ये तो पता है, धरती है हमारी। जब कोई बच्चा कहीं किसी भी लोकेलिटी में पैदा होता है तो वहां से एक फोटो खींची जाती है पूरे ब्रह्मांड की। अच्छा, कुंडली के लिए। हाँ, कुंडली के लिए वो फोटो ही, एक तरह से वही, उसी एंगल से, उसी पर्टिकुलर एंगल से। वो एंगल दिल्ली का भी हो सकता है, लंदन का भी हो सकता है। वो जो कुंडली बनती है उस पर्टिकुलर लोकेशन से फोटो खींच के, वो हमारी कुंडली कही जाती है। और उस कुंडली के बीच में हम किस दिन पैदा हुए हैं, किस तिथि में पैदा हुए हैं, किस वार में पैदा हुए हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, किस योग में पैदा हुए हैं, किस करण में पैदा हुए हैं, किस मास में पैदा हुए हैं, वो सब चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि हम कैसी पर्सनैलिटी निकलेंगे। बिल्कुल। और ये जो पर्सनैलिटी है हमारी, इसमें होरा शास्त्र का ये कहना है कि हम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी लाइफ को गाइड कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल एंड बिल्कुल। तब ये जो होरा शास्त्र है हमारी गाइडिंग के लिए, हमारे लिए अच्छी है, तो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस की तरह लेना चाहिए। अच्छा, इसको प्रिडिक्शन की तरह लेना ज्यादा भारी पड़ता है, गाइडेंस की तरह लेना ज्यादा अच्छा रहता है। मान लो हम कह रहे हैं कि 2026 अच्छा टाइम नहीं है इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? आप क्या करोगे जब आपको पता चलेगा ये टाइम अच्छा नहीं है आपके लिए?
अपने आप को सही रख सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। तो तैयारी में जैसे मान लो किसी की, मैं कोई प्रिडिक्शन है, भूकंप आएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, कोई दिक्कत आएगी, सुनामी आएगी, तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, आप इंश्योरेंस ले सकते हो, आप अपना उस टाइम कैश अपने पास रख सकते हो कि जरूरत पड़ने पे काम आ जाएगा। बिल्कुल, अपने आपको रेडी, तूफान के लिए अपने आपको रेडी किया जाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी का भी मेन मकसद यही है कि अपने आपको रेडी करना है। हमारा पंचांग में विक्रम संवत होता है, सुना होगा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल। तो विक्रम संवत का पहला महीना होता है चैत्र, दूसरा महीना कौन सा होता है, वैशाख, तीसरा महीना होता है, आपको पता है इस बारे में? नहीं, आप बताइए, आप ज्यादा इसके बारे में जानते होंगे। ज्येष्ठ। ओके, अब जैसे चैत्र है, विशाख है, ज्येष्ठ है, इन महीनों का नाम चैत्र, विशाख और ज्येष्ठ क्यों रखा ऋषि ने? ये जो नामकरण है होरा शास्त्र में ही है ना, पराशर होरा शास्त्र में ही है। अच्छा, पराशर ऋषि द्वारा दिए गए सारे। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि चैत्र की पूर्णिमा में फुल मून में चित्र नक्षत्र होता है। ओके, नक्षत्रों से लिए गए। फुल मून में वैशाखा नक्षत्र होता है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा में फुल मून में ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। नीड टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड द नेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेमिंग ऑफ द नक्षत्र, द नेमिंग ऑफ द मंथ एंड द नेमिंग ऑफ द डे। अगर मार्च हमारा पहला महीना है, जो चैत्र हमेशा मार्च में आता है, तो अप्रैल दूसरा महीना हुआ, बिल्कुल, मई तीसरा महीना हुआ, जून चौथा हुआ, जुलाई पांचवा हुआ, अगस्त छठा हुआ, सितंबर को सितंबर क्यों बोलते हैं, सितंबर, अक्टूबर को अक्टूबर क्यों बोलते हैं, अक्टूबर, नवंबर को नवंबर क्यों बोलते हैं, नवंबर, दिसंबर को दिसंबर। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? वैदिक कैलेंडर कब से चल रहा है? ये तो काफी पहले से चल रहा है, बहुत पहले से, ये अभी स्टार्ट और अभी है। अच्छा सॉरी, यही स्टार्टिंग है काल की, वैदिक कैलेंडर ही। अच्छा, और आपको एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, और तो आपको पता लग गया ना, चैत्र में, चैत्र महीने का नाम चैत्र महीना ही क्यों रखा, चैत्री क्यों रखा गया था, क्योंकि पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र पड़ता है, पूर्णिमा में ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है, हमें पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पड़ता है। और संडे के बाद मंडे क्यों आता है, ये बताऊं आपको मैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे बस इतना बताओ कि सूर्य धरती के सबसे पास प्लेनेट कौन सा है, जो धरती के सबसे पास है, सबसे पास धरती के, जो सबसे जल्दी ऑर्बिट में, जो सबसे पास है धरती का ऑर्बिट जिससे, मून आइडिया कोई? चंद्रमा शायद। चंद्रमा, बिल्कुल, चंद्रमा अपनी पूरी रोटेशन अराउंड द अर्थ 27.5 दिन के आसपास पूरी करता है। चंद्रमा के बाद जो है प्लेनेट है वो है बुध। अच्छा, तो सबसे पास प्लेनेट कौन सा हुआ? बुध, चंद्रमा, हाँ, उसके बाद में बुध, उसके बाद बुध हुआ, उसके बाद है वीनस, अच्छा शुक्र, उसके बाद है सन, अच्छा सन के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर, और फिर सैटर्न। सैटर्न को लगते हैं 30 साल पूरे धरती के ऑर्बिट का चक्कर लगाने में, जुपिटर को लगते हैं 12 साल, सन को लगते हैं 365 दिन, उससे कम वीनस को लगते हैं, उससे कम मरकरी को लगते हैं, और मून को लगते हैं सबसे कम 27.5 दिन। अच्छा, सबसे ज्यादा किसको लगते हैं, सैटर्न को,
और सबसे कम किसको लगते हैं? मून को। मून को बिल्कुल। तो यार की आप समझ रहे हो, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी और मून, ये नॉलेज पूरे आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगी। बिल्कुल वही, पहली बार ही सुन रहा हूं मैं भी ये सब कुछ। तो सैटर्न के बाद जब आज मान लो सैटरडे है फॉर एग्जांपल, तो सैटरडे को आपकी लोकेलिटी में सनराइज अगर 6:30 बजे हो रहा है तो पहली जो आपकी हो रहा होगी वो सैटर्न की होगी। अच्छा, पहला घंटा होगा सैटर्न का 6:30 बजे, दूसरा हो गया जुपिटर का, तीसरा हो गया मार्स का, चौथा हो गया सन का, पांचवा वीनस का, छठा मरकरी का और सातवां मून का, फिर आठवां घंटा किसका हुआ? वापस से हुआ। हाँ वही। तो सुबह अगर 6 बजे आपके मॉर्निंग में आपका सैटर्न की होरा शुरू होती है तो 7 बजे तक जुपिटर, 8 बजे तक मार्स, 9 बजे तक सन, 10 बजे तक वीनस, 11 बजे तक मरकरी, 12 बजे तक मून, फिर 12 से 1 भी सैटर्न की होरा रहेगी। बिल्कुल। फिर 8वीं होरा फिर सैटर्न की होगी। हाँ बिल्कुल वापस से। तो 21st होरा अगर सैटर्न की होगी आपकी, तो 22nd होरा किसकी होगी? जुपिटर की। सैटर्न से छोटा कौन है जो सबसे कम में? जुपिटर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो 23rd हो रहा होगी वो होगी मार्स की, 3.59, मतलब 23 घंटे 59 मिनट्स बाद हो रहा चेंज होगी। और जो 24th हो रहा होगी, मार्स से छोटा कौन सा प्लेनेट था आपको यार की याद है? सन, सैटर्न सबसे ज्यादा ऑर्बिट लेता है, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर चौथा कौन सा था? सन। अच्छा सूर्य। तो सैटर्न आया सन आया संडे। बिल्कुल 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 सब। अब संडे का जो 21वां घंटा होगा, क्योंकि 7वें घंटे दोबारा सन आ गया, क्योंकि पहले घंटे में अब सनराइज में संडे आ गया ना, सन की होरा आ गई, तो 21वां घंटा फिर सन का हो गया, तो 22वां घंटा हुआ वीनस का, 23वां घंटा हुआ बुध का, क्योंकि सन से छोटा वीनस, वीनस से छोटा बुध, 24वां घंटा किसका हुआ? बुध से छोटा कौन है जो कम ऑर्बिट लेता है? चंद्रमा। तो संडे के बाद क्या आया? मंडे। मून का बिल्कुल। और मंडे के बाद ट्यूसडे आया। अब मून से 4 प्लैनेट्स पीछे कर दो तो ट्यूसडे आता है, तो मून से फिर सैटर्न आ गया, सैटर्न के बाद फिर जुपिटर आ गया, फिर मार्स आ गया। ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये नॉलेज या ये पूरा जो बताएं, ये पहले आपने भी कहीं पे नहीं सुना होगा। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ और काफी बेहतरीन चीज है ये, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसे। तो होरा शास्त्र की अहमियत समझते हो आप? बिल्कुल, इसके बिल्कुल। तो बड़ी साइंस है। किसी भी चीज को आउटराइटली रिजेक्ट करने से पहले उसके पीछे की साइंस को समझना बहुत जरूरी है, और जिस दिन आप साइंस समझ गए उस दिन आप हार नहीं सकते। और हमारे पराशर ऋषि ने, वेदव्यास ऋषि ने बृहत पराशर होरा शास्त्र, और होरा को उन्होंने हाईलाइट किया है होरा शास्त्र। मेरे को 5 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज 100% प्योर साइंस, एंड इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड कैलकुलेशन। मैथ, साइंस और आर्ट का ये कॉम्बिनेशन है।
मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ कैलकुलेशन पार्ट में, लेकिन मैं जितना हूं उसके हिसाब से कैलकुलेशन अगर हम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपके पास। बिल्कुल लोग तो सीधा चार्ट में चले जाते हैं ना, सीधा कुंडली खोलते हैं, पंचांग को तो कोई देखता नहीं है, और पंचांग में सारे राजयोग इनबिल्ट छुपे होते हैं। और जो 2026 की मेरी स्टेटमेंट है जिसके लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी रीजनिंग है दैट इंडिया इज ऑल्सो बी इफेक्टेड विद इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी इफेक्टेड विद द वर्ल्ड, द रीजन इज ओनली वन मैथमेटिकल रीजन, जो हमारी शास्त्रों में बताया गया है कि जिस साल अधिक मास के साथ चार ग्रहण होते हैं वो साल डिजास्ट्रस होता है। बहुत बुरा होगा। और यही भविष्य मल्लिका में लिखा है। हाँ बिल्कुल। और जब मैंने इस चीज को रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ओनली ओनली आंसर ये मिला 2026 का कि अधिक मास और चार ग्रहण का कॉम्बिनेशन है उसमें। एज पर एस्ट्रो शनि मीन राशि में हर 30 साल में आता है, लेकिन उस टाइम शनि मीन राशि में होगा तो इसका यह मतलब नहीं कि शनि की वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है, ये इस प्रॉब्लम की मूल वजह है अधिक मास और चार ग्रहण का कॉम्बिनेशन, जो एक विक्रम संवत में बहुत कम देखा जाता है। इट्स द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट। उसमें मैंने आपका एक क्लिप भी देखा था जहां पे आप बता रहे थे कि अभी जो सिचुएशन बन रही है वो महाभारत के टाइम में भी बना था ऐसा। हाँ बिल्कुल, यही यही सिचुएशन थी, अधिक मास और चार ग्रहण। क्या बात है, जितने भी दर्शक हैं मेरे ख्याल से इस चीज को बहुत ही खास तरीके से लीजिए, मतलब जो सिचुएशंस महाभारत के समय में बनी थी, आपको बताएं क्या ही पूरा सिनेरियो था उस टाइम में, वही वापस से बन रही है। तो अपने शास्त्रों को बहुत सीरियसली लेना शुरू करो, बहुत सीरियसली। और महाभारत के बाद क्या हुआ था, धर्म का स्थापना हुआ था। बिल्कुल। तो 2028-29 तक आपकी धर्म की स्थापना भी आपको नजर आ जाएगी होती हुई। बिल्कुल, इसका मतलब जो भविष्य मालिका तो बता ही रही है, उसके साथ में कई लोग ऐसा भी मेरे को सवाल पूछ रहे थे कि अखंड भारत या इसका निर्माण कब होगा, तो उसे भी आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं। देखो अखंड भारत के टाइम बॉर्डर्स नहीं होते थे, तो हम जो अखंड भारत समझते हैं वो हम समझते हैं हमारे कब्जे में कौन सा स्टेट है। अखंड भारत वॉज अ कल्चरल थिंग, वो कल्चर था एक जो कि स्थापित होगा, धीरे धीरे स्थापित होगा। इसको आप पॉलिटिकल वे में नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों को। और जीतेगा वही जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकता है, जीतेगा वही जो एंगर मैनेजमेंट कर सकता है, जीतेगा वही जो फेलियर मैनेजमेंट कर सकता है, वो नहीं जीतेगा जो पैनिक हो जाएगा। द की टू सक्सेस इज सर्वाइवल। तो इन सब चीजों से आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे सनातन शास्त्रों की या वैदिक शास्त्रों की कितनी ज्यादा अहमियत है, कितनी ज्यादा वो सटीक थे पहले भी, आज भी और आगे भी रहेंगे वो चीज। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 5% शास्त्र पढ़ा है, 5-10%। नाउ आई एम गोइंग मैड कि मतलब क्या, दिस इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ढंग से डिकोड करा जाए, दिस इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए तो मैंने एस्ट्रोलॉजी क्लासेस स्टार्ट किए हैं लोगों को पढ़ाने के लिए कि ये चीज खत्म ना हो। हाँ उस लेवल की तो हम कभी नहीं कर सकते जो पहले होता था, लेकिन कम से कम ये साइंस जिंदा तो रहे। जैसे आज के टाइम में संस्कृत एकदम एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हाँ एस्ट्रोलॉजी एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए ना। आज की डेट में सिर्फ पॉल्यूशन इन एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है एक्चुअल।
मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हो सकते हैं लेकिन रियलिटी तो यही है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल यही सच्चाई है। मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, और मैंने ये बता दिया कि चैत्र को, चैत्र के महीने को चैत्र का महीना क्यों बोला जाता है। और आपको एक बात बताऊं, चित्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र है, तो वो बैलेंस का रोल प्ले करता है, इसलिए चित्रा नक्षत्र से स्टार्ट होता है। अच्छा वो ऋषि का मन नहीं किया था कि चित्रा नक्षत्र से हम ऐसे स्टार्ट कर दें, उसके पीछे इट इज दी बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दी यूनिवर्स, 27 नक्षत्रों में से जो बीच का नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है। और स्वस्ति न इंद्रो मंत्र में भी इंद्र का नाम इसलिए पहले लिया गया है क्योंकि चित्रा नक्षत्र के लॉर्ड इंद्र है। अच्छा क्या बात है। तो लोगों को ये सारी चीजें समझनी चाहिए, और इन सब चीजों का जिनको ज्ञान हो जाएगा उन लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में और आगे बढ़ने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस टाइम में आपको ये भी देखना होगा कि मतलब आप अपने शास्त्रों की तरफ, सनातन की तरफ वापस से बढ़े, वेदी की तरफ आए, तो वही बड़ा की होगा सर्वाइवल का भी। और जैसा कि आराधन जी ने बताया, स्ट्रेस रिलीफ और बाकी सभी चीजों में आपको हेल्प करेगा ये चीज। तो राजन जी, आपका एक और जो प्रेडिक्शन जो आपने बताया था 2047 को लेके, जिसमें आप कली के बारे में बोल रहे थे, भगवान कल्कि के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग अभी जो मेन स्ट्रीम चल रहे हैं, चाहे वो कथावाचक हो या इस्कॉन, अभी जो बहुत बड़ी संस्था है, वो जो आंकड़ा बताती है, बोलती है कि भाई कलयुग तो लाखों साल बाद खत्म होगा और बाकी सारी चीजें, और आपने बताया कि 2047 तक कली और कल्कि के बारे में, तो उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो मैंने कहा कल्कि भगवान का जन्म हो सकता है 2047 में, और इसके पीछे भी वही लॉजिक है कि 2047 से एक चीज होती है अतिक्रांत ग्रह। अच्छा। ये तो ये एक ऐसी टर्म है जो एस्ट्रोलॉजर्स को भी नहीं पता, आउट ऑफ बाउंड्स। तो उनको ये चीज चेक करनी चाहिए कि 2047 के बाद कितने ग्रह आउट ऑफ बाउंड्स है, और कितने आपके ग्रहण आएंगे 2047 में, और अधिक मास आएगा 2047-48 का जो फेस है, टोटल फेस, वो आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। एस्ट्रोनॉमिकली बोल रहा हूँ, आप 2026-27 के बाद ही इफेक्ट देखोगे कि वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, जितनी टेक्नोलॉजी चल रही है वो अलग तरह से काम करेगी। ठीक है मॉर्गन भाई, बिल्कुल। और इसी से मतलब जो सिचुएशन बन रही है उसी को देख के आपने जो कल्कि के जन्म के बारे में प्रिडिक्ट किया। मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया, मेरा डाउट है। डाउट, हाँ। तो मेरे ख्याल से दर्शकों काफी ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, इतना जो कुछ ज्ञान है मुझे नहीं लगता अभी के समय में YouTube पे कहीं होगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी जो नई चीजें आपको पता चली है हमारे शास्त्रों से रिलेटेड। तो इस चीज को डेफिनेटली खुद भी देखिए, शेयर भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ राजन जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो भाई यही कह रहा हूँ कि पराशर औरा शास्त्र को ढंग से स्टडी करो, एस्ट्रोलॉजी को अच्छे गुरु से पढ़ो, और एस्ट्रोलॉजी के मिसकंसेप्शंस में मत फंसो। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी था जो काफी लोग पूछते हैं, मुझे भी लगता है कि इसको क्लियर होना चाहिए, आप मेरे ख्याल से अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि नॉर्मली जब कोई प्रॉब्लम होता है तभी जाता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, तो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे जैसे ग्रह कुंडली देख लिया कि यह ग्रह खराब आ गया है, खराब आ गया, तो फिर मेरे हिसाब से देयर आर ओनली 3 उपाय द वन शुड डू आज के जमाने में। नंबर 1 मंत्र, नंबर 2 फास्टिंग उपवास, और नंबर 3 दान। और मंत्र वही मंत्र करो जो आप खुद कर सकते हो।
जैसे बटुक भैरव जी का आपने मंत्र बोलना है तो ओम बम बटुकाय नमः के 108 बार जाप कर लिए, जैसे आपने दुर्गा माता का मंत्र बोलना है तो दुर्गा सप्तशती पढ़ ली। इसके अलावा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रतन नहीं करने या बड़ी पूजा नहीं करनी, लेकिन बेसिक्स में आपको सिर्फ ये तीन उपाय करने हैं, मंत्र, उपवास और दान। अगर किसी की सूर्य को, किसी को सूर्य का उपाय करना है तो ही कैन टेक सनलाइट, ही कैन, वो गेहूं दान कर सकता है। तो ये सारे सूर्य के उपाय हो गए। ऐसे चंद्र के उपाय होते हैं, ऐसे मंगल के उपाय होते हैं, ऐसे शनि के उपाय होते हैं, लेकिन उपाय तीन ही है, मंत्र, उपवास और दान, और चौथा उपाय नहीं आज की डेट में। तीन ही मेन मेजर रास्ते मणि जो उपाय है, मणि जिसको हम जेमस्टोन बोलते हैं, वो मैं उपाय की श्रेणी में जरूर डालता हूँ, लेकिन जो आदमी वेल ऑफ नहीं है उसको मणि को उपाय की श्रेणी में नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मणि पहनोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, वो उस पावर को थोड़ा सा अब्जॉर्ब जरूर करता है, लेकिन जो आदमी वेल ऑफ नहीं है उसको मणि धारण नहीं करना चाहिए, और डुप्लीकेट मणि तो बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। और मॉर्गन भाई, आपको मणि से रिलेटेड भी एक बात बताता हूँ। ये जो हमारे रत्न है, मूंगा है, मोती है, ये आपको क्या लगता है ये हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन कहाँ से आया? बताइए इसके बारे में भी। दुर्गा माता ने राक्षस को मारा था ना, तो जहां पे दांत गिरे वहां निकला मोती समुंदर में, जहां मछली खून गिरा वहां निकला मूंगा और रूबी, जहां वीर्य वीर्य वहां निकला शनि का स्टोन नीलम। तो ऐसे ही जहां पे उसकी जोन सा बॉडी पार्ट गिरा उस हिसाब से स्टोन का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही बड़ी माइनर माइनर डिटेल्स आपको एस्ट्रोलॉजी में मिलेंगी। आप इसको पढ़ोगे, शास्त्र का ज्ञान लेने की कोशिश करोगे तो यू विल आल्सो गेट सम इनसाइट ऑन दी। बिल्कुल। तो अभी लास्ट में जाते जाते हुए मैंने आपको ये भी सुना है कि आप अब सिखाना भी शुरू कर रहे हैं, स्कूल्स भी शुरू कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए ताकि। कर चुका हूँ सिखाना, सैटरडे संडे के बैच चल रहे हैं, और मैं एक टाइम पे मैक्सिमम 20-25-30 लोगों को ही सिखा सकता हूँ। और कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो कोशिश करेंगे ज्यादा लोगों को भी सिखाने की, लेकिन सिखाने में, रिसर्च करने में टाइम लगता है। इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स टाइप ऑफ थिंग कि 3 साल का ये कोर्स है, अभी ऐसा नहीं होता। मैं हफ्ते में सिर्फ एक क्लास इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं बाकी पूरे हफ्ते अगली क्लास की रिसर्च करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, क्या टॉपिक है जो मैटर करता है इस समय। लेकिन एक चीज मैं 100% श्योर हूँ कि पंचांग के लोगों को नॉलेज नहीं है, और लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, तो वो प्रिडिक्ट क्या करेंगे और ज्ञान क्या बांटेंगे। और मैं उन लोगों की बात भी करता हूँ जो टीचर्स है। 110 एस्ट्रोलॉजर्स इन माई लाइफ, और उसमें से मेरे को कुछ ही मिले हैं जो कि जेमस्टोन्स निकले मेरी लाइफ में, और उसमें से एक हमारे अपने सर है जिनका मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। अच्छा, ओके, क्या तो मेरे ख्याल से आप सभी को डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, जो कुछ आपने मुझे भी सवाल भेजे थे उनके भी काफी बेहतरीन जवाब आपको मिल चुके होंगे, और जो कुछ भी आज के इंटरव्यू में आपने सुना है ये मुझे नहीं लगता जो और भी कहीं इंटरनेट पे मौजूद होगा। तो इस चीज को डेफिनेटली आप लोग फॉलो भी कीजिए, सनातन की तरफ वापस से बढ़िए, अपने वैदिक शास्त्रों की तरफ, और वही आगे आने वाले समय में आपको एक तरह से सर्वाइवल में मदद करेगा। तो इसी के साथ अपन आज का सेशन एंड करते हैं, और राजन जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, इतना इन्फॉर्मेटिव चीजों बताने के लिए लोगों के लिए, और अपना समय देने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।